डायोड कैसे काम करता है और उसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है ये हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मल्टीमीटर को वोल्टेज पे सेट कर लेते हैं, और अभी देखिए 0 वोल्टेज आ रहा है यहाँ पर इनपुट साइड में, और मैं यहाँ पर जो है वो सप्लाई को ऑन कर देता हूँ। तो अभी आप देखिए सप्लाई ऑन हो चुका है और इनपुट वोल्टेज हमें 11.78 यहाँ पर मिल रहा है। डायोड हमेशा जो है वो वन डायरेक्शन में काम करता है, मतलब यहाँ पर अभी जो करंट है वो यहाँ से होता हुआ इधर फ्लो हो रहा है। तो हम अगर ये डायोड को उल्टा कर देंगे तो यहाँ पर करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो देखिए मैं वर्किंग कंडीशन में इस डायोड को यहाँ से निकालता हूँ और इसको उल्टा करके यहाँ पर लगा देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर उल्टा करके लगा दिया। अब देखिए सर्किट जो है यहाँ पर बंद है, वापस इसको चेंज करते हैं हम। ये इसको निकाला यहाँ पर और फिर से इसको फॉरवर्ड बायस में लगा दिया, और ये देखिए सर्किट यहाँ पर ऑन हो चुका है। तो डायोड हमेशा हमारा फॉरवर्ड बायस में काम करता है, एक डायरेक्शन में जो है वो करंट फ्लो करता है, दूसरे डायरेक्शन से नहीं करता है। मतलब पॉजिटिव साइड पर ज़्यादा वोल्टेज होना चाहिए कंपैरेटिवली नेगेटिव साइड। अब हम देखते हैं कि डायोड जो है कितना वोल्टेज ड्रॉप करता है। तो अभी आप देखिए यहाँ पर जो इनपुट वोल्टेज आ रहा है वो 11.78 आ रहा है, जो कि हमने यहाँ भी लिखा है, ये सर्किट यहाँ पर भी ड्रॉप है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो डायोड के आउटपुट में हम यहाँ पर जो है मल्टीमीटर को कनेक्ट कर देते हैं। तो ये देखिए मैं यहाँ पर जो है कनेक्ट कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो कितना वोल्टेज आ रहा है डायोड के आउटपुट में, 11.08, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर आप इनपुट वोल्टेज को आउटपुट वोल्टेज से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 11.78 है और यहाँ पर 11.08 है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.7। मतलब यहाँ पर डायोड ने जो है वो 0.7 वोल्ट कंज्यूम कर लिया है। तो डायोड जो है वन डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, फॉरवर्ड बायस में काम करता है और 0.7 वोल्टेज ड्रॉप करता है। ज़्यादा अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।